पहले तो भैया आप तक इतनी बेहतरीन क्वालिटी में ये साउंड प्रदान कर रहे हैं हमारे बड़े भैया बागवान साउंड सर्विस लाउड क्वीन, इनके लिए आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इतनी बेहतरीन क्वालिटी भैया प्राप्त हुआ करुणा रस से भरी गाथा श्रवण करेंगे। आप सभी जानते हैं करुण रस का स्थाई भाव रति होती है, जिसमें करुण रस में दो अंग होते हैं, पहला वियोग दूसरा संयोग। आप दुख भरी गाथा श्रवण करेंगे। रामचरितमानस रामायण के अंतर्गत समय की जब करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है, प्रभु राम के हाथों रावण का वध हो जाता है। इधर रानी मंदोदरी को जिसे ही इस बात की खबर होती है, आज रुदन मचाती है, विलाप करती है और कहती है, हे स्वामी, हे मेरे दीनानाथ, कई बार समझाने पर भी आपने मेरी एक नहीं मानी, क्योंकि वो जो प्रभु राम है वो तो सारे जगत के पालनहार हैं। उनसे भला आप कैसे युद्ध कर सकते थे, कैसे जीत सकते थे, वह तो सारी सृष्टि के परमात्मा थे। और हे मेरे स्वामी, आपने मेरी एक नहीं मानी और आज देखिए क्या हो गया, आपके बिन मेरा इस जगत में कोई नहीं है, और आज आप भी मुझे बीच मझधार में अकेली छोड़कर चले गए, क्या कह दिए। मुझको अकेली छोड़ गए आज मेरे भरता
रोती बिलकती और क्या कहती है, मान्य जन्मदिन पिता नितिन पवार जी, माता शिवानी पवार जी, ये करुणस के बाद इनके जन्मदिन पर एक छोटा सा भजन भैया इनकी ओर से मंडल को 101 रुपए की राशि प्रदान हुई आशीर्वाद की करना चाहेंगे। आज देखिए मंदोदरी विलाप करती और क्या कहती है, अरे किसी जीवोंगी पिया हो जो रानिया तो रहा नहीं जाए और कहती अरे कैसे जीवूंगी पिया हो, हेलो हेलो हारमोनियम पे फूल ले जाकर नाप रखे भैया, मंडलों को डिस्टर्ब कर दिया आपने भैया। हाँ वो देख लेंगे समय। हेलो, हाँ भैया करुण रस पे भी फूल फेंको तुम तो हारमोनियम पे क्या करो। एक बटन बजा।